के बारे में। तो इन ये जो ट्रेनिंग आपकी चलेगी 4 बजे तक चलेगी और आपको इस ट्रेनिंग अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है और अपने अपने स्कूल्स में जाकर के सभी टीचर्स को इसके बारे में अवगत कराना है, उनकी मीटिंग लेनी है, बताना है, अपने फेयर में भी बताना है, ठीक है, कि भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई, क्योंकि बहुत से जो है इस टाइप के दुर्घटनाएं हो रही है, मतलब इस टाइप की जो है वो कारक या खतरनाक कई बार ये भी सोच है, लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जानकारी न देना हानिकारक है, देना हानिकारक नहीं है, बल्कि बच्चे को यौन शोषण के बारे में अच्छे से डीपली जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते एक विद्यालय से अधिक हानिकारक है जो हम अभी बता रहे थे। फिर कहते हैं कि जिस बच्चे को इसके बारे में कोई जानकारी देने की कोशिश करता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चा उसका शिकार हो रहा है, वो घटना बच्चे के साथ हो रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में, नियमों के बारे में जानकारी न होने के कारण, क्योंकि बच्चों के भी अधिकार है, जैसे हमारे मानव अधिकार है ऐसे गुरुजी बच्चों के भी अधिकार है, उसके बारे में भी हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं, चाइल्ड राइट्स क्या है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। फिर यहाँ पर कहते हैं चूंकि बच्चों के पास गलत या सीमित जानकारी है इसलिए वह यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में शर्मिंदा या डर सकता है और उपचार लेने में झिझक होती है, बच्चे में हेजिटेशन होती है, छोटा बच्चा है अभी, हम एक भावनात्मक जरूरतें क्या होती हैं, कैसे हम नजरअंदाज करते हैं, कोई भी साथी बताए, सदन में विद्वान साथी बैठे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कई बार देखने में यह आता है कि बच्चा आया और हमारा पढ़ाने का मूड है, एक प्राथमिक टीचर होने के नाते, एक टीजीटी होने के नाते मैं तैयारी करके आया हूं कि आज मुझे पढ़ाना है, लेसन प्लान मेरा तैयार है, शिक्षक संदर्शिका प्राथमिक स्तर पे है उसके हिसाब से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, लेकिन पता चलता है कोई ऑफिस से फोन आ जाता है, गुरुजी डाक आपको देनी है अर्जेंट, अभी देनी है। अब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमने बच्चों को कुछ काम दे दिया अपने क्लासरूम में करने के लिए कि भाई आपको ये काम करना है, अब क्या होता है गुरुजी उसी बीच में जब हम डाक बना रहे हैं उसी पीरियड में वो बच्चा आता है, सर जी मैंने ये काम कर लिया है, तो हम क्या कहते हैं, ए बैठ जा चुप हो जा, फिर वो बच्चा फिर से साहस करता है कि सर मेरा काम हो गया, क्योंकि वो बच्चा ठीक है, उसका अधिगम स्तर ठीक है, फिर वो साहस करता है, फिर हम उससे और भी कुछ कह देते हैं, तुझे ज्यादा जल्दी पड़ रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो डांट का दबाव है या अधिकारियों का दबाव है जो भी हो उसके कारण हम उस बच्चे पर झिल्ला जाते हैं और उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की जो भावनात्मक जो भावना है उनको ठेस पहुंचती है, मेरा ये मानना है। तो हम ये ध्यान रखें, कक्षा कक्ष की बात हो या विद्यालय परिसर की बात हो, कि वहां पर बच्चों की भावनाओं का हम ध्यान रखें। इसके बाद बच्चे की शिक्षात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करना, बच्चों को बिना देख रेख के अकेला छोड़ना। मैं एक अध्यापक हूं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने 30 बच्चों को 25 बच्चों को स्वतंत्र आधार पर उन्हें छोड़ दूं। बहुत सारी चीज आती है, प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र पठन आता है, कीजिए ये तो स्वतंत्र पठन है, बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपका मूल रूप से बच्चे पर ध्यान होना चाहिए, यदि ध्यान नहीं है तो ये चाइल्ड एब्यूज में आता है, क्योंकि तो बच्चे कोई भी घटना कर सकते हैं। ऐसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा और आप भी ये मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है, तो आप ये ध्यान रखें, बच्चों को बिना देख रेख के अकेला छोड़ना ये भी बता दिया, बेवजह बच्चे को चिढ़ाना, बच्चे की देखभाल न करना। सभी आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे सारे साथी, आप सब आज जो है हमको पोस्टर के बारे में बताया गया, इसके बारे में जो जानकारियां दी गई उसमें से कुछ जानकारियां ऐसी थी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे, लेकिन डिटेल में काफ़ी सारी नई चीज़ें बताई गई हैं। और फिर दूसरा कि विद्यालय में हम इन चीज़ों को कैसे कम कर सकते हैं, या किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उसको कैसे टैकल करें, उसके बारे में हम क्या कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली। और काफ़ी सारी धाराओं के बारे में भी यहाँ चर्चा की गई, हालांकि धाराएं जो है वो याद नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जब हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे तो हम उनको भी
एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं और इससे एक विद्यालय में भी एक स्वस्थ वातावरण बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। आप सभी का बहुत